हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री यानी कि मिरर से होना रिफ्लेक्शन। तो एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग इफ अ मिरर वाज प्लेस्ड ऑन द डॉटेड लाइन। अगर मिरर को डॉटेड लाइन पर रखा गया है तो इमेज को कंप्लीट करना है। पहली इमेज जैसे आपको दिख रही है, कैट का फेस है, तो कैट के फेस को कंप्लीट मिरर में हमें कैसा दिखेगा? जिस तरीके से उसका एक ईयर है तो साइड में एक ईयर ड्रॉ कर देंगे, उस सर्कल को कंप्लीट कर देंगे, एक आई है, माउथ को कंप्लीट कर देंगे, उसके हेयर्स को कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही इसका सी वाला है तो उसमें क्या है, अल्फ़ाबेट ए बन रहा है। तो हमें पता है डॉटेड लाइन कैसी है, वर्टिकल। वर्टिकल जब डॉटेड लाइन है तो हम मिरर उसका राइट टू लेफ्ट करते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, सिंपल जो लेफ्ट साइड में इमेज दे रखी है उसे राइट साइड पर कॉपी कर देना है। तो राइट साइड पर हम उसे कंप्लीट कर देंगे जिस तरीके से आपको वीडियो में शो किया गया है, और वो ए अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। ये भी डॉटेड लाइन से मिरर लाइन है डॉटेड, तो जिस तरीके से सामने बन रहा है उसी तरीके से हम राइट साइड में उसे रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो रिफ्लेक्ट मैंने करके दिखाया हुआ है, जैसे कि इसमें देखिए एक बॉक्स लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में खाली है, तो हम राइट में भी आउटर मोस्ट में एक बॉक्स खाली रखेंगे, ए वाला इस तरीके से फिल करेंगे। अगर आपको ये बॉक्स बनाने नहीं आए, पहली बात तो आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, अदरवाइज़ आप जो मैथ्स की कॉपी आती है उसका एक पेज लेकर ये ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको ईजी पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ग्राफ पेपर पर भी इन्हें ड्रॉ करके देख सकते हैं, तब भी आपको ये काफ़ी इजी पड़ेगा। और बाकी जितने भी पोर्शन मिरर साइमेट्री में आपको दिखाने हैं उन्हें आप पेंसिल से शेड कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा, बट यहाँ पर 2 मिरर लाइन ऑफ साइमेट्री हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन साइमेट्री देखेंगे, तो उसके थ्रू जो लेफ्ट में जो कलर हो रहे हैं वो राइट साइड में ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद दोनों को हॉरिजॉन्टल लाइन साइमेट्री के थ्रू नीचे ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इस इमेज को 3 साइड में ड्रॉ करना होगा। तो ये मैंने कंप्लीट करके आपको दिखाया हुआ है, पहले लेफ्ट साइड में आप फिल कीजिएगा जितने भी बॉक्सेस आपको फिल करने हैं, देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, दोनों को बॉटम साइड में नीचे की तरफ फिल कर देंगे, तो वो 2 मिरर लाइंस ऑफ साइमेट्री से 3 इमेज बन जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें 2 मिरर लाइन साइमेट्री दे रखी है आपको, तो आपको क्या करना है, इसे पहले लेफ्ट से राइट की ओर ड्रॉ करना है, उसके बाद दोनों को बॉटम में नीचे की ओर ड्रॉ करना है। जो हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्टिव साइमेट्री होगी उससे ये नीचे ड्रॉ होंगे, और जो वर्टिकल मिरर साइमेट्री है उसके थ्रू ये राइट पर ड्रॉ किए जाएंगे।